हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम टू अनदर पॉडकास्ट। और आज हम बात करने वाले हैं ऐसी चीज़ के बारे में जिसके बारे में मैं हाल ही में बहुत ज़्यादा सोच रही हूँ। एक्चुअली आई थिंक इस वक्त, इस एज ऑफ टाइम में, एक्चुअली आई थिंक अभी जो ये सिचुएशन चल रही है, अभी जो टाइम चल रहा है, स्पेशली कोरोना के बाद, आई डोंट नो वाई, बट ऐसा लग रहा है कि हर चीज़ इतनी टॉक्सिक हो चुकी है, एनवायरनमेंट इतना टॉक्सिक हो चुका है, और लोग एक तरफ इतने ज़्यादा जेन्युइन नाइस हो चुके हैं, बट एक तरफ लाइक इतनी ज़्यादा टॉक्सिसिटी बढ़ चुकी है। अगर आप कहीं भी देखो, लाइक सोशल मीडिया पे या फिर अपने आस पास के एनवायरनमेंट में अगर देखा जाए, आई डोंट नो वाई दिस इज़ हैपनिंग, बट कहीं ना कहीं एक टॉक्सिक एनवायरनमेंट आ चुका है लाइफ में। आई डोंट नो ये सिर्फ मेरे साथ है या फिर बाकी लोगों के साथ भी है, इट्स आई रियली डोंट नो दिस थिंग, बट हाँ, एक वो होती है ना टॉक्सिसिटी, वो कहीं ना कहीं डेवलप होती जा रही है लाइफ में। आई डोंट नो इफ दिस इज़ अ एज थिंग, ये होना चाहिए नहीं होना चाहिए, आई रियली डोंट नो इफ इट इज़ रिलेटेड टू मेंटल हेल्थ और इट्स जस्ट अ फेज़ और ये निकल जाएगा। आई नो हर चीज़ निकल जाती है और ये चीज़ भी निकल जाएगी, बट अगर हम सोशल मीडिया पे देखें, देयर आर सो मैनी इन्फ्लुएंसर्स जो यू नो जो ये क्लेम करते हैं दैट आई हैव अचीव दिस एट दिस एज, आई हैव डन दिस एट दिस एज, और जो लोग वो चीज़ अचीव नहीं कर पाते हैं या फिर जो लोग वहाँ पर नहीं पहुँच पाते, कहीं ना कहीं बहुत इंस्पिरेशनल भी है ये चीज़ कि वाह, इसने किया तो मैं भी ये चीज़ करूँगी, या ये कर सकती तो मैं क्यों नहीं कर सकती, या ये कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता। बट कहीं ना कहीं वो एक एज फैक्टर लगाना हर चीज़ के साथ कि आई बॉट माय ओन कार एट द एज ऑफ 20, 18, आई थिंक ये चीज़ हमें समझनी चाहिए कि द वे पीपल अर्न मनी इज़ चेंजिंग, इट्स डेफिनेटली चेंजिंग। और जिस तरीके से लोग पैसा कमा रहे हैं, पहले 30s में लोग होते थे तो वो ये सब चीज़ें अचीव करते थे, और कभी कभी ऐसा होता था कि वो लोग ये भी अचीव नहीं कर पाते थे, लेकिन अभी इवन लाइक 15, 14, 12, 13 ईयर पीपल आर लाइक दे आर बिलियनेयर, मिलियनेयर, तो दिस इज़ वेरी नॉर्मल टुडे। एंड वी नीड टू अंडरस्टैंड कि यार ये जो एनवायरनमेंट शिफ्ट हो रहा है, लाइक पीपल आर चेंजिंग देयर मीन्स ऑफ लाइक इनकम, तो इसीलिए हर एक इंसान के पास आज के टाइम पे एक्सेस है। अगर आप स्मार्ट वर्क, हार्ड वर्क कर रहे हो, तो आई थिंक ये सब चीज़ें आना बहुत आसान हो गई हैं लाइफ में, लाइक मनी इनपुट होना बहुत आसान हो चुका है। और एक जो एक तरफ जो ये चीज़ लीड कर रही है वो है शो ऑफ, लाइक हर किसी को अपनी चीज़ें शो ऑफ करनी है, हर किसी को अपना ब्रांड शो ऑफ करना है। आई नो दिस इज़ वेरी लाइक ऑब्वियस, क्योंकि अगर मैं भी कुछ खरीदूँगी तो मैं भी चाहूँगी कि मैं शेयर करूँ लोगों के साथ, राइट? बट बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो बहुत वल्नरेबल होते हैं, और उन्होंने लाइफ में चीज़ें फिगर आउट भी नहीं की होती है, एंड पीपल ऑफ 18, 19, 20 ईयर्स, इवन लेस देन दैट, लाइक दे आर डूइंग एवरीथिंग इन लाइफ। इवन मेरे साथ ऐसा होता है आजकल कि आई डो नॉट यूज़ सोशल मीडिया, आई डोंट नो, आई हैव दिस सोशल मीडिया फोबिया, आई डोंट नो वाई, बट मेरे लिए इतना मुश्किल होता है सोशल मीडिया यूज़ करना, बिकॉज ऑफ द ट्रेंड्स गोइंग ऑन। क्योंकि अगर मैं एक हफ्ता भी सोशल मीडिया रेगुलरली यूज़ कर लूँ ना, लाइक माई होल माइंड सेट जस्ट शिफ्ट्स, आई डोंट नो वाई। अगर मैं एक सर्टन रील देख रही हूँ, या फिर आई डोंट नो वट इज़ दिस इन इंस्टाग्राम, इंस्टाग्राम तो खैर छोड़े अब काफ़ी टाइम हो गया, बट इवन YouTube Shorts, इफ आई एम लाइक लाइकिंग अ पर्टिकुलर रील जो मुझे उस जॉनरा में अच्छी लगी, फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे कोई स्पिरिचुअल रील अच्छी लगी, तो मुझे बाकी सारी रील, लाइक मुझे इतना ज़्यादा रिकमेंडेशन होता है स्पिरिचुअल रील्स का कि आई एम लाइक मुझे इतनी भी नहीं देखनी थी। या फिर अगर मैं कुछ मोटिवेशनल चीज़ देखना चाहूँगी, तो अगर मैं उसको लाइक करूँगी तो उसको आने में इतना टाइम लगता है, लेकिन वहीं अगर मैं कोई क्रिंज लाइक कर दूँगी तो वो इतनी जल्दी लाइक वो पॉपअप होना शुरू हो जाता है, एंड आई एम लाइक यार मुझे ये इतना भी नहीं देखना था, लाइक स्पिरिचुअल मैंने गलत बोल दिया, मुझे क्रिंज बोलना चाहिए था। अगर मैं कोई क्रिंज लाइक कर रही हूँ तो वो हर तीसरी लाइक शॉर्ट क्रिंज शो होना शुरू हो जाती है, बट वहीं अगर मैं फिटनेस लाइक कर रही हूँ
या फिर मोटिवेशन लाइक कर रही हूँ, तो वो हार्डली मेरे को दिखता है. तो मुझे समझ नहीं आता कि लोग मोटिवेशनल वीडियोस या फिर इंस्पिरेशनल वीडियोस कम बना रहे हैं या शॉर्ट्स कम बना रहे हैं या क्रिंज ज़्यादा बना रहे हैं. और लाइक क्रिंज भी ऐसे अजीब अजीब सा आता है जो समझ में ही नहीं आता है कि लाइक इसको फॉलो करना चाहिए नहीं करना चाहिए. आई डोंट नो व्हाट्स गोइंग ऑन. इतना हेक्टिक होता है ना सोशल मीडिया चलाना, मुझे समझ नहीं आती है कि कैसे प्रोसेस किया जाए. आई नो इस एज में सोशल मीडिया के बिना रहना भी एक टास्क है. लाइक कल ही मैं किसी को कह रही थी कि आई डोंट यूज़ व्हाट्सएप, एंड दे वर लाइक व्हाई डोंट यू यूज़ व्हाट्सएप, हाउ डू यू मैनेज विदाउट इट. एंड आई एम लाइक आई डोंट नो, आई हैव लेफ्ट इट सिंस आई डोंट नो हाउ मेनी ईयर्स. 2017 में मैंने छोड़ा था. इट्स बीन लाइक 5-6 years आई हैवन यूज व्हाट्सएप. सो फेसबुक तो याद ही नहीं है कब छोड़ी थी. इंस्टा भी बीच में ऑन एंड ऑफ आता रहता है बट आई डोंट यूज़ इट मच. इवन समटाइम्स आई जस्ट डिसेबल माई यूट्यूब. आई डोंट नो वाई दिस थिंग लाइक हिट्स मी सो मच. एंड आई डोंट नो इफ आई एम द ओनली वन और एवरीबडी फेसेस द सेम इशू, बट आई जस्ट आई एम सो कन्फ्यूज अबाउट सोशल मीडिया एंड द टॉक्सिसिटी इट प्रमोट्स. फॉर सम पीपल इट माइट बी एंटरटेनमेंट बट फॉर सम पीपल इट इज टॉक्सिक क्रिंज. आई डोंट नो, फॉर मी इट लाइक लीड्स टू टॉक्सिसिटी. अगर मैं कुछ चीज़ देख रही हूँ और लाइक आई एम लाइक हाउ कैन दीज गाइज डू इट, मेरे से क्यों नहीं हो रहा है. और फिर मैं सोचती हूँ कोई बात नहीं, जस्ट बी कंसिस्टेंट, लगे रहो हो जाएगा. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं अपनी यूट्यूब की बात कर लूँ, मुझे कभी कभी लगता है यार कितना टाइम हो गया है यूट्यूब पर ऑन एंड ऑफ मैं वीडियोज़ डाल रही हूँ. फिर मुझे लगता है कि ओके आई एम नॉट कंसिस्टेंट, मे बी दैट्स वाई. बट इवन इफ आई एम कंसिस्टेंट फॉर अ ईयर और यू नो फॉर लाइक 6 months, आई डोंट नो हाउ पीपल ब्लो अप यार ऑन यूट्यूब. लाइक फिर मैं सोचती हूँ कि कोई बात नहीं, जस्ट लगे रहो अभी बहुत टाइम लगता है यू नो एक पर्टिकुलर चीज़ को. कुछ अगर मैं कुछ बोल रही हूँ, लाइक अगर मैं ये पॉडकास्ट शूट कर रही हूँ, टाइम लगेगा इसको इम्पैक्ट होने में, क्योंकि लॉन्ग फॉर्म इज़ नो लॉन्गर अ थिंग. लोग शॉर्ट फॉर्म में जा रहे हैं एंड इवन आई एम थिंकिंग दैट हाउ कैन आई गो फ्रॉम लॉन्ग फॉर्म टू शॉर्ट फॉर्म. ऑल्दो आई लव लॉन्ग फॉर्म, क्योंकि मेरा दिमाग ही 5-10 मिनट बाद प्रोसेस होना शुरू होता है कि अच्छा मैं बोलना क्या चाहती हूँ, मैं बोल कह रही हूँ. बिकॉज आई डोंट प्रिपेयर फॉर इट, बिकॉज आई वॉन्ट टू कीप इट रियली रॉ. सम पीपल माइट बी लाइक वाई डोंट यू प्रिपेयर फॉर इट, एंड तुम्हें बिल्कुल प्रिपेयर होके आना चाहिए, यू शुड ब्रिंग गेस्ट. येस आई ट्राइड इट, बट यू नो हर चीज़ के पीछे बहुत प्रोसेस होता है और बहुत टाइम लगता है. एंड आई एम जस्ट वन पर्सन एंड आई कैन नॉट डू ऑल दीज थिंग्स बाय माई ओन. सो यू नीड हेल्प एंड फॉर हेल्प यू नीड फाइनेंसिस. एंड आई डोंट हैव दैट मच फाइनेंसिस राइट नाउ कि मैं इतनी ज़्यादा हेल्प ले सकूँ या फिर किसी को हायर कर सकूँ. सो आई हैव टू डू इट बाय माई सेल्फ. इसीलिए मैं बहुत कम वीडियोज़ अपलोड करती हूँ. और इवन इफ आई अपलोड लाइक शॉर्ट्स, लाइक आई रियली नीड टू यू नो गेट एट दैट पीस कि हाँ ठीक है, अगर मैं इंस्टा पर जा रही हूँ मैं सिर्फ लाइक कुछ प्रोडक्टिव करने जा रही हूँ, ना कि सिर्फ टाइम वेस्ट करने. और वो जो टॉक्सिसिटी प्रमोट होती है इंस्टा पे, आई वॉन्ट से कि इतनी ज़्यादा होती है, बट यूट्यूब पे आई डोंट नो, अगर मैं कुछ अच्छी रील अच्छी शॉर्ट को लाइक कर रही हूँ तो वो प्रमोट ही नहीं होता है, वैसा स्टफ़ प्रमोट ही नहीं होता. और मुझे सिर्फ लाइक आई गेट दोज शॉर्ट्स लाइक कीपिंग अप विद कार्डशियंस एंड ASMR, जिनको मैं बस एक बार लाइक करती हूँ और वो बस शो होते रहते हैं. आई एम लाइक डूड हाउ डू आई गेट ऑफ दिस यू नो. और इसके अलावा आई थिंक कि लोग जो हमारा इन्वायरमेंट है, सोशल मीडिया तो खैर एक फैक्टर है बट हमारा जो इन्वायरमेंट है, देर सो मैनी पीपल अराउंड अस हु आर, आई डोंट नो वाई पीपल आर जस्ट कंसिस्टेंटली डिप्रेस्ड, पीपल आर नॉट हैप्पी. एंड I don't know, I just can't do with unhappy people now. Agar, if someone says me ki yaar I'm so depressed, I'm so sad, I just shut off. I don't know what is wrong with me. I cannot listen to people now because I am at a very zen mode. Sometimes I'm very irritated, very very irritated, but kabhi kabhi I'm at this zen mode and I'm like I don't want to listen anybody. Because I'm so happy alone. I don't know yaar what's wrong with me. And I have literally manifested this life. Because mujhe aisa hi chahiye tha ki main agar akeli bhi hoon to main khush hoon.
लाइक हम किसी की सोच नहीं बदल सकते, हम किसी को नहीं बोल सकते कि यू नो कि आप ये कर लो वो कर लो, ये तुम्हारे लिए अच्छा है वो तुम्हारे लिए अच्छा है. पीपल आर नॉट क्लियर अबाउट देयर लाइफ. अगर तुम्हें 3-4-5 साल भी लगते हैं ना अपनी वो प्रायोरिटी सेट करने में और अपनी लाइफ को देखने में कि हाँ तुम्हें क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, टेक इट, जस्ट टेक इट. लाइक 5 ईयर्स इस चीज़ में सोचना इज़ बेटर देन वेस्टिंग योर होल लाइफ अपनी प्रायोरिटी के बारे में सोचने से. लाइक अपनी अगर तुम्हें प्रायोरिटी नहीं पता है तो उसके बारे में 5-6 साल रिसर्च करना इज़ बेटर देन वेस्टिंग योर होल लाइफ. दिस इज़ माई पॉइंट. तो कुछ लोग होते हैं जो 1 साल में 2 साल में यू नो इवेंचुअली अपने पाथ पे चलते चलते उनको पता चल जाता है कि अच्छा ये मेरी प्रायोरिटीज़ हैं, मुझे इन चीज़ों को प्रायोरिटी देनी है. बट कुछ लोग होते हैं, आई नो पीपल जो मुझसे ज़्यादा एज के हैं और दे स्टिल डोंट नो देयर प्रायोरिटीज़, तो एंड दे आर डिप्रेस्ड. तो मुझे वो चीज़ सोच के लगता है कि यार इट्स बेटर कि तुम अपनी प्रायोरिटीज़ अपने 20s में सोच लो. वो कहते हैं ना अगर अपने 20s तुम अपनी स्किल्स अपना माइंडसेट ये सब बनाने में लगाओ इट्स बेटर देन लाइक जस्ट रशिंग टूवर्ड्स थिंग्स. और अगर तुम्हारा माइंडसेट क्लियर है, हमारी प्रायोरिटीज़ क्लियर हैं, ट्रस्ट मी गाइस लाइफ बहुत ईजी हो जाती है. अभी लोग अपने 30s में ऐसी एज पे होते हैं जहाँ पे वो क्विट भी नहीं कर सकते, उन पे रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उन पे एज फैक्टर है. लाइक पीपल यूजुअली गेट मैरिड इन देयर 30s, तो वो नहीं लाइक कुछ चूज़ कर सकते. बट जब तक तुम अपने 20s में हो यू कैन एक्सपेरिमेंट अ लॉट, लिटरली यू कैन एक्सपेरिमेंट अ लॉट. यू कैन लाइक गिव शॉट टू योर सेल्फ, लाइक यू कैन डू वट एवर यू वॉन्ट यार, एंड जस्ट गो फॉर इट. इवन लाइक इन योर इफ यू आर इन योर टीन एज जस्ट लाइक फाइंड आउट योर पीस. इस चीज़ पर ध्यान दो कि यार मुझे चाहिए क्या, मेरी प्रायोरिटी क्या है, मुझे करना क्या है लाइफ में. प्रायोरिटी में बार बार क्यों कह रही हूँ, क्योंकि मैं अपनी प्रायोरिटीज़ को 4 एस्पेक्ट्स में डालती हूँ, स्पिरिचुअल, फिजिकल लाइक हेल्थ, उसके बाद करियर एंड रिलेशनशिप. आई थिंक ये 4 चीज़ें होती हैं, ये 4 पिलर्स होते हैं, जैसे मैं पहले भी कहती हूँ ये 4 पिलर्स होते हैं लाइफ के, एंड मैं इसी सीक्वेंस में इसको फॉलो करती हूँ, स्पिरिचुअलिटी, हेल्थ, करियर एंड रिलेशनशिप्स. क्योंकि कुछ लोगों के लिए रिलेशनशिप्स पहले आते हैं, कुछ लोगों के लिए हेल्थ लास्ट में आती है, कुछ लोगों के लिए स्पिरिचुअलिटी आती ही नहीं है. सो यू रियली नीड टू फिगर इट आउट. बट मेरे लिए ये सीक्वेंस है क्योंकि आई थिंक दिस इज़ हाउ आई हैव रीच्ड हियर, दिस इज़ हाउ आई हैव अटेन्ड माय पीस. अगर मैं थोड़ा सा भी स्पिरिचुअलिटी से यहाँ वहाँ होती हूँ, आई लिटरली जस्ट यू नो शफल माई सेल्फ, एंड इट्स सो हार्ड फॉर मी टू इवन थिंक. तो इसीलिए मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि मैं अपनी स्पिरिचुअलिटी को फर्स्ट प्रायोरिटी दूँ, उसके बाद मैं अपनी हेल्थ को, बिकॉज आई हैव फेस्ड अ लॉट ऑफ इशूज़ बिकॉज ऑफ माई हेल्थ, इमेंस मूड स्विंग्स, इमेंस हेल्थ इशूज़, एंड लाइक आई हैव लिटरली क्राइड फॉर माई हेल्थ. सो इसलिए आई हैव केप्ट इट लाइक इट्स माई प्रायोरिटी, माई हेल्थ इज़ माई प्रायोरिटी, एंड इट टुक मी अ लॉट ऑफ एफर्ट टू रियलाइज दिस थिंग. एंड माई करियर, मेरा करियर तो पिछले साल तक कहीं था ही नहीं मेरी लिस्ट में. मेरे लिए सिर्फ लाइक मेरे रिलेशन्स थे, यू नो कि मेरे पेरेंट्स, मेरे फ्रेंड्स, मैं किसी को दुखी ना कर दूँ. एंड आई हैव रियलाइज दिस थिंग दैट आई एम अ पीपल प्लीजर. मुझे बुरा लगता है अगर मैं किसी को हर्ट कर देती हूँ, मुझसे ना नहीं होती है. तो आई हैव फिगर दिस आउट कि ओके आई एम अ पीपल प्लीजर, एंड आई डोंट वॉन्ट टू वर्क ऑन इट बिकॉज मेरा नेचर ऐसा है, आई एम हेल्पिंग, आई एम काइंड. तो अगर मुझे कोई हेल्प मांगना आता है मुझसे नहीं होता है मना, और मुझे लगता है कि हमें हेल्प करनी भी चाहिए, तो मुझसे वो चीज़ तो नहीं चेंज होगी. बट अगर मुझसे कोई हेल्प मांग रहा है और मेरा करियर है, आई वुड डेफिनेटली चूज माई करियर रादर देन हेल्पिंग समवन. कॉल इट सेल्फिशनेस, बट दिस इज़ हाउ इट इज़ नाउ. अगर मुझे लोग कॉल करते हैं, माई फोन इज़ यूजुअली स्विच्ड ऑफ बिकॉज आई एम फोकसिंग ऑन माई करियर. आई कैन नॉट टेक कॉल्स बिकॉज आई नो अगर कोई मुझे कुछ भी थोड़ा सा बोलेगा मैं डिस्ट्रैक्ट हो जाऊँगी, मुझसे मना नहीं होगा. और अगर मुझे कोई बुलाएगा कि हाँ यार आयुषी मिल ले, आई एम डिस्टर्ब, ये वो, मैं चली ही जाऊँगी. लाइक मुझसे मना नहीं होगा और मुझे लगेगा कि यार लाइक दिस पर्सन इज टेकिंग एन एफर्ट टू कॉल मी. लाइक आस्किंग फॉर हेल्प इज़ ऑल्सो स्ट्रेंथ, यू नो. तो अगर वो मुझसे हेल्प मांग रहे हो तो आई कैन नॉट से देम नो. तो इसलिए मैं वो सारे गेट्स ही शट ऑफ कर देती हूँ कि जब तक मेरा करियर है
लाइक जब तक मेरी ये स्टडीज़ हैं या जो भी है, मैं कुछ अटेंड नहीं करने वाली हूँ. आई एम नॉट गोइंग टू अटेंड एनी कॉल. आई एम नॉट गोइंग टू एंटरटेन पीपल. और उसके बाद व्हेन आई गेट टाइम, आई डू मेक श्योर दैट आई कॉल माई फ्रेंड्स, आई कॉल माई फैमिली मेम्बर्स, रिलेटिव्स, क्योंकि यू नो जस्ट चेक ऑन देम एंड मेक श्योर इफ एवरीथिंग इज़ फाइन. और अगर कुछ उल्टा सीधा होता है, आई स्टिल गेट यू नो थोड़ा सा डिस्टर्ब कि यार अच्छा उसकी लाइफ में ये चल रहा है, बिकॉज आई थिंक आई एम दैट वे. तो इसीलिए इट्स समटाइम्स ओके, इट्स समटाइम्स नॉट ओके, बट दिस इज़ हाउ इट इज़. सो आई थिंक इस टॉक्सिसिटी से निकलने के लिए यही एक चारा है कि अपनी प्रायोरिटी सेट करो और अपने आप को शट डाउन कर दो यार हर चीज़ से. अगर तुम्हें लग रहा है कि ये चीज़ टॉक्सिक हो रही है, जस्ट मूव अवे, दैट्स इट. बस इतनी सी चीज़ है. सो येस, दैट इज़ इट. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, अपने टाइम देने के लिए, मुझे सुनने के लिए. थैंक यू सो मच इफ़ यू हैव वॉच्ड दिस. एंड बाय, टेक केयर. यू कैन फॉलो मी ऑन स्पॉटिफाई. आई विल पुट द लिंक डाउन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. थैंक यू सो मच गाइज. बाय एंड टेक केयर.